नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। भले ही देश के अन्नदाता पिछले 60 दिनों से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, ज्यादातर मीडिया किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, लेकिन देश भर में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर गुरुवार को जमशेदपुर के अलग अलग राजनीतिक एवं किसान समर्थित संगठनों द्वारा आम बगान से जिला मुख्यालय तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पर धरने में तब्दील हो गई। वहीं आंदोलन के समर्थन में मौजूद जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने किसानों के धरने का पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से अविलंब कृषि बिल 2020 को वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आपको किसान के आंदोलन में पूरा देश क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं किसान, और किसानों की जो मांग है उसका विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें चिंता का विषय है। इस आंदोलन में करीबन नहीं तो 60 से भी ज्यादा किसान अपनी जान को आहुति दे, और देश के जो मुखिया हैं उनके आंखों में आंसू भी नहीं है और जरा भी चिंता भावना नहीं है। क्या ये कानून बनाकर ये क्या दिखाना चाहते हैं, अडानी अंबानी को फायदा दिखाना चाहते हैं? तो हम पूरे देश के किसान और देश के नागरिक उसका विरोध करते हैं। हमें ये लगता है कि पूरे देश के लोगों को, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसान जैसे गरीब गुरेवा लोग, जो पूरे देश में लोगों को देश के मुखिया हीरा मोदी नहीं खिलाएंगे, देश में अगर खिलाएंगे तो किसान अपना अनाज उगाकर अपना खून पसीना ही करके लोगों को अनाज खिलाते हैं, और ऐसे लोगों का आंदोलन को अनदेखा करना ये हमें लगता है कि ये देश हित में नहीं है। वहीं किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे किसान नेता भगवान सिंह ने कृषि बिल वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। शांतिपूर्ण तरीका से विरोध करेंगे, ऐसा कोई गलत उग्र प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीका से सरकार को, मोदी मेरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, जारी रहेगा। देखा पहले भी देख रहे हैं, पहले जैसे था शुरू में हम लोग अकेला कर रहे हैं, बहुत अच्छा से करना चाहिए, इससे भी आगे सबसे बातचीत कर रहे हैं, इसको और उग्र किया जाए, गांव वहां तक पहुंचाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।